नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश जिला कटनी उमरिया पान में जबलपुर लोकायुक्त टीम ने 20,000 के रिश्वत लेते बड़ौदा सचिव और उप सरपंच को किया ट्रिप। पीएम आवास की अंतिम किस्त देने के एवज में मांगी थी 20,000 की रकम। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने सोमवार को उमरिया पान में बड़ौदा पंचायत सचिव ब्रजेश गौतम और उप सरपंच कुलदीप तिवारी को 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। प्रधानमंत्री आवास की अंतिम किस्त खाते में ट्रांसफर करने के एवज में यह राशि पंचायत सचिव ब्रजेश गौतम ने उप सरपंच कुलदीप तिवारी के माध्यम से ली थी। सचिव ने जैसे ही रिश्वत की रकम उप सरपंच से लिया, उस समय लोकायुक्त की टीम ने दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया। लोकायुक्त की टीम ने बड़ौदा सचिव ब्रजेश गौतम और उप सरपंच कुलदीप तिवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर लिया है। लोकायुक्त जबलपुर डीएसपी दिलीप झरवड़े ने बताया कि ढीमारखेड़ा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बड़ौदा निवासी गया प्रसाद लोधी से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की अंतिम किस्त 40,000 रुपए की राशि हितग्राही के खाते में ट्रांसफर करने के एवज में पंचायत सचिव ब्रजेश गौतम ने उप सरपंच कुलदीप तिवारी के माध्यम से हितग्राही से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। हितग्राही ने पूरे मामले की शिकायत जबलपुर पहुंचकर लोकायुक्त से किया था। सोमवार को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने उमरियापान भारतीय स्टेट बैंक के पास सचिव और उप सरपंच को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त ने दोनों आरोपियों को सीहोरा रेस्ट हाउस लेकर आई और यहीं पूरी कार्रवाई किया। कार्रवाई में लोकायुक्त निरीक्षक मंजू तिर्की और निरीक्षक स्वप्निल दास की अहम भूमिका रही। हमारे फरियादी हैं गया प्रसाद लोधी, ये ग्राम बरौंदा तहसील डीमरखेड़ा जिला कटनी के निवासी है। इनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की राशि स्वीकृत हुई है। इनको 3 किस्तों की राशि मिल चुकी है। तीसरी किस्त 40,000 रुपये और अन्य मजदूरी की राशि 10,000 रुपये, कुल 50,000 रुपये के भुगतान डलवाने के एवज में सचिव हैं ब्रजेश गौतम, इनके द्वारा 40,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने ब्रजेश गौतम के कहने पर कुलदीप तिवारी को राशि लेकर सचिव को देते हुए पकड़ा है और दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सर कितनी राशि है? 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये? तो ये कार्रवाई ग्राम पंचायत कार्यालय में हुई है? नहीं, ये कार्रवाई स्टेट बैंक के सामने ग्राम पानोमरिया में।